बैठ बैठा यहीं पे बैठ बैठे रहना। अरे बच्चे हो ना, वो दूसरी ऑटो के बच्चे हैं। बिल्कुल चुपचाप बिठाना मत है गलती से भी। बेटा आप लोग इसमें आते हो, आप लोग को पता है अभी DPS हादसा हुआ था, उसमें कितने सारे ऑटो के बच्चे कितने आई नहीं सर जी मेरी। क्यों बिठाया इसमें? अरे सर जी वो ऑटो क्यों बिठाया? बच्चों परीक्षा का टाइम है। क्यों बिठाया? परीक्षा का टाइम है सर जी। तुमको किसने बोला था बिठाने के लिए? नहीं बच्चे नहीं, ऑटो वाला नहीं आया ना। अपना नाम बताओ तुम। अरे सर जी तुम्हारा नाम कैलाश है मेरा सर जी, बाकी ऑटो बच्चे नहीं आया ना। नाम है तुम्हारा? पूछो तो ऑटो के बच्चे ना बेटा। सुनो मेरी बात, सिर्फ जितना ही पूछ रहा हूँ कैलाश जी, आप उतना ही बात बताओ मेरे। बच्चा ऑटो वाला आया नहीं, उसके बच्चे आए नहीं, तो उसके लेके जाना पड़ेगा परीक्षा का टाइम। आप लोगों को पता है बेटा कि आप लोग का अगर कभी कुछ हो जाएगा, इस गाड़ी में सिर्फ 5 लोगों की बैठने की जगह है, और आज आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सर जी आप बताएं, 16 लोग बैठे हुए हैं इसमें, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए ना। आप लोगों ने कभी अपने कभी पेरेंट्स से आप लोगों ने कंप्लेन किया है? आप लोग डेली इसी गाड़ी में आते हैं? दो ऑटो में आते हैं बेटा, पूछो ना सर। आप लोग डेली इसी गाड़ी में आते हैं? पूछ लो। आप लोग डेली बेटा इसी गाड़ी में आते हैं? आप लोग स्कूल में आते हैं और इस तरीके से अगर आप लोग बैठ के जाते हैं तो क्या समझते हैं आप लोग बताइए। फोटो तो इसलिए सर जी, दो मिनट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे बच्चे सर जी, उनके घर वालों को फोन आ जाएंगे। अरे सर जी बिल्कुल आराम से खड़े रहना चाहते आप सर जी।